We are spending massive amount of money. ये बहुत ही मस्त दिख रहे 480 per person ticket लगा है। अपने इंडिया में मंदिर में जाने के लिए कैसे लाइन लगती है? That kind of line is here. पूरा 13,000 का difference है, so that's really a good deal here. Heaven for those who love electronics. Hi guys, welcome to another vlog. हम आज जा रहे हैं दुबई मॉल एक्सप्लोर करने, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, एक विलेज से भी बड़ा है वो. सो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड वी आर ऑलरेडी लेट. इट्स 1 PM. ऑफकोर्स सब तो कवर नहीं होगा, बट वी विल ट्राई टू कवर जो भी मेन वहाँ पे चीजें है, दैट आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग. आई होप यू विल लाइक दिस एंड या लेट्स गो. ओके गाइस, मॉल में एंटर करते से ही आपको ये ऐसे शॉप्स बहुत दिख जाएंगे, मतलब स्टॉल काइंड ऑफ शॉप्स, और साइड में ऐसे मेन शॉप्स है लगे हुए. एंड एज वी गो इन, बहुत ही सारे शॉप्स है, सो मैं आपको सारा नहीं बताऊंगी. जो भी एक्टिविटीज़ है दोज आई विल एक्सप्लेन टू यू. ये देखो, ये पूरा लेगोस से बनाया हुआ है ये बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा अपनी. तो रियली नाइस लेगो स्टोर में आया है इसको. ज़रा एक लेगो सेट बहुत सालों से चाहिए मैन यूनाइटेड के स्टेडियम का, ना ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम था जहाँ पे हमने मैचेस देखी, वो वाले स्टेडियम का इसको लेगो सेट चाहिए. इसको मिलता नहीं है, ना बैंकॉक में मिला ना इधर मिल रहा है, इवन दो दिस इज़ द बिगेस्ट मॉल दुबई वाला स्टिल. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एक्वेरियम में जा रहे हैं. ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, दैट इज़ जस्ट अ शो. मतलब ये रियल फिश है, लेकिन दैट इज़ जस्ट अ शो फॉर आउटसाइड पीपल. हम अभी टिकट ले रहे हैं, वी विल गो इनसाइड एंड आई विल शो यू एवरीथिंग. वो कितना सही आ रहा है यार, ये बहुत ही मस्त दिख रहे हैं. ओके, आई विल शो यू. उन्होंने ये फिश के लिए इकोसिस्टम बना के रखा है, दैट्स वेरी नाइस यार, वेरी नाइस. अगर आपको अंदर नहीं जाना है, टिकट नहीं पे करना है, तो आप ही यहाँ ये रील के बाहर खड़े होके भी ये सिर्फ ये देख सकते हो, बाकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो. बट अगर करते हो एक्टिविटीज़, तो इट्स लाइक वेरी नाइस. 480 पर पर्सन टिकट लगा है, महंगा है अपने हिसाब से थोड़ा, लेकिन अभी आप देखोगे हम एक्टिविटीज़ करेंगे, आपको अगर वर्थ लगता है तो यू कैन पे, कम हियर, यू कैन एंजॉय द एक्टिविटीज़, अदरवाइज इट्स योर चॉइस. ए हाय, हाय. ओके, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा आप सबको. जस्ट लुक एट दिस. ओके, तो ये एक्वेरियम एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे है गाइस. ये यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए उल्लू बनाते हैं कि इधर से रास्ता है करके, है ना. ये पिक्चर इतने अच्छे थे कि वी एंडेड अप गेटिंग अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट. हार्ड कॉपी भी अच्छी थी, लेकिन वी कैन ऑलवेज मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ आउट ऑफ अ सॉफ्ट कॉपी. सो वी ओनली टुक द सॉफ्ट कॉपी एंड नाउ वी आर गोइंग अप. हार्ड कॉपी वॉज वेरी ब्यूटीफुल दो. और ये देखो, यहाँ से ये जो पंजे निकाले हुए हैं, दैट वे गोज टू द एक्वेरियम. इसके लिए उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया हुआ है. How cool is that? Guys, this is something, I don't know. ये कुछ एक्टिविटी है, आई थिंक हमें नीचे लेके जाएंगे. इसमें ये बॉक्स में बिठाया है, पूरा खड़ा गया है हमको. Okay guys, so वो बेसिकली ऐसा था कि ये जो एक्वेरियम्स ऐसे बनाए हुए इन लोगों ने, तो उसके ऊपर बोर्ड से बस दे विल शो अस पानी में कौन से क्रिएचर्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ. एंड वी हैव वेरी लेस टाइम, हमें वो क्रिएचर्स तो ऐसे भी दिख रहे हैं यार, इसलिए हम वो बोट राइड पे नहीं गए. ऑफकोर्स दैट इज़ एन एक्सपीरियंस, लेकिन वी डोंट थिंक दैट्स वर्थ इन्वेस्टिंग आवर टाइम इन फॉर नाउ. तो इसलिए आपको बस बता दिया कि वॉट इट वॉज लाइक. ये देखो गाइस, नीचे उतर के भी ये कुछ है, अपने को पास से देखने मिलती है, इनको खिलाते भी आता है खाना. ओह माय गॉड, दैट्स ह्यूज गाइस. ये जो केज दिख रही है आपको ये पानी के अंदर, उसमें भी जाते आता है अगर आपके पास फास्ट ट्रैक टिकट है तो. सी वी हैव इट, तो वी कैन गो, लेकिन यार हम नहीं जा रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक का क्या पता, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. उन्होंने हमें ये दिया है जो कि हम फिश के लिए खाना दे सकते हैं उनको, और वो ऐसे गैदर हो जाते हैं. फिर देखो गाइस, ऐसा कुछ बनता है हमें अंडर वाटर, ऐसे वो केज में लेके जाते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग बिकॉज ऑफकोर्स टाइम का थोड़ा सा कमी है आज. हमने ये ड्रिंक लिया गाइस, दिस इज़ अ फ्रेंच वनीला हॉट ड्रिंक, एंड उसने कॉफ़ी लिया निखिल ने. दिस वॉज इंक्लूडेड इन आर वाउचर जो कि हमारे फास्ट ट्रैक में था. सो इतना यूज निखिल से भी बड़ा है, निखिल से कितना रहेगा? नहीं नहीं, हाइट वाइज निखिल इज 6'1", सो आई डोंट नो. मूविंग, ही इज मूविंग गाइस. ओह माय गॉड, और इनके साथ तो फिश भी है, ये खाते नहीं होंगे, आई हैव नो आइडिया. वैसे दिस ड्रिंक, दिस हॉट ड्रिंक फ्रेंच वनीला इज रियली रियली गुड. ऐसे मेरे को ज़्यादा ड्रिंक्स पसंद नहीं आते हैं, लेकिन दिस इज रियली गुड.
ओके, सो एज यू नो गाइज, हर एक टूरिस्ट प्लेस के बाहर एग्जिट के यहाँ पे शॉप रहता है, तो हियर इज़ ऑल्सो वन शॉप. और हमारे पास एज यू नो फास्ट ट्रैक का टिकट था, तो हमें यहाँ पे 40 ADE ऑफ का वाउचर था हमारे पास. सो दिस इज़ 39 AED, और यहाँ पे कुछ दूसरा था नहीं, यूज़फुल नहीं था या फिर कुछ हमें पसंद नहीं आ रहा था. इट्स टॉयज़ एंड स्टफ, सॉफ्ट टॉयज़, सो वी आर बाइंग दिस, एटलीस्ट आई कैन यूज़ दिस. तो यहाँ पे 50 AED तक शॉपिंग करनी पड़ती है गाइज, तभी जाके वो 40 AED डिस्काउंट मिलता है. सो हमने वो किचन कैंसिल करके ये डायरी लिया है जो कि है 75 AED का. सो 40 के ऊपर के पैसे जो होंगे AED वो हमें पे करने हैं अभी, बट दिस इज़ रियली नाइस, एमिराट्स का है. बाकी आपको अगर यहाँ पे शॉपिंग करनी है गाइस, तो स्टोर्स आर वेरी वेरी नाइस है, बहुत मतलब क्लास है, बहुत सारे वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पे. यू वॉन्ट इवन एक्सपेक्ट कि इतना सारा यहाँ पे है, बट यू विल एक्चुअली, कि दिस इज़ वेरी ह्यूज मॉल. ओह बट या व्हाटएवर, आपने देखी नहीं रहेगी ऐसी भी चीज़ें ऐसे हो. ये देखो ये कितना क्यूट है, हाय. किड्स का स्टोर है गाइज ये वाला, लेकिन बहुत मस्त डेकोरेट किया हुआ है. हैरी पॉटर का कलेक्शन भी देखो गाइज कितना अच्छा है. वी रियली लाइक दिस शेल्फ में के चीज़ें, ये जो है वो ब्रूम स्टिक रहता है उनका वो, देन वी हैव ये बैजेस उनके सब हाउसेस के, ये मैप है यहाँ पे, एंड ऑफकोर्स वी हैव दिस ऑलरेडी जो हमने एक्चुअल वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो से ख़रीदा हुआ है, इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो. एंड दिस ऑल्सो नाइस, एंड अपना छोटू सा पिल्लू, आई लाइक हिम सो मच. And so much stuff. Oh my god, this is very cute. Okay. Guys, ye bacche ko. Look at this, what it's doing. Nike mein aaye hai guys. As usual, hum mall mein jaate hai, Nike Adidas to chhodte nahi hai. Hai na? Of course. Yeah, so Nikhil is now trying these shoes. Really funky, but it's for gym, so it's really nice, cool. So guys, women's section ka kitna acha banaya hua hai shoes ka. Wow, look at that view. I was talking about that view. Ruko guys, थोड़ी देर में वो भी व्यू बताती हूँ. You can put it down. Okay, this is the shoe. I'm trying it. Gym के लिए try कर रही हूँ actually. So. It goes with everything basically. Yeah. Running and then gym. Right. Let's see. I don't know what size they gave me. बट इट शुडन बी लाइक मैं थोड़ा देर पहना और फिर अनकम्फर्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए जिम के अंदर, क्योंकि मेरे पहले वाले शूज़ है वो वैसे ही हो रहे हैं अभी, बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है. दैट लुक्स गुड एक्चुअली. तो दिस इज़ द व्यू गाइज जो आपको नाइकी के स्टोर से दिखता है, वो भी वुमेन्स सेक्शन के यहाँ से ही दिखेगा, मेन्स सेक्शन के यहाँ से कोई ऐसा विंडो नहीं है बड़ा वाला. दिस इज बुर्ज खलीफा. अरे उन्होंने दिया ही रखा है अभी वुमेंस के यहाँ पे, तो मैं व्हाट कैन आई डू. वाओ, दिस इज जस्ट सो अमेजिंग गाइस. यहाँ का एक एडवांटेज भी है, ये मॉल में आप आओ कितनी भी देर रुको, आपको यहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है. यू जस्ट हैव टू लॉग इन टू दैट विदाउट एनी मनी, सो इट्स बेसिकली फ्री, एंड स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. निखिल ने ये लिया गाइस नया, ये इंडिया में 47,000 का है और यहाँ पे मिल रहा है 34,000 में. इट्स लाइक पूरा 13,000 का डिफरेंस है, सो दैट्स रियली अ गुड डील हियर. हालांकि ये बॉक्स हमारे बैग्स में जाएगा नहीं, तो वी विल हैव टू कैरी इट ऐसे हाथ में ही, बट ठीक है यार, अच्छा डील है. लुक एट द स्टोर, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, एंड रियली गुड, मतलब हेवन फॉर दोज हु लव इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड दिस इज कॉल्ड वर्जिन मेगा स्टोर बाय द वे, इफ यू आर वंडरिंग व्हाट स्टोर इज दिस, दिस इज वर्जिन मेगा स्टोर. Yeah, just told them. Yeah. Look at this, guys. It's just too much stuff here. ये बैग में बैठा लेकिन दिस टूट जाएगा ये हैंडल जो है, क्योंकि दैट बॉक्स इज़ वेरी हैवी नीचे वाला. एंड नाउ वी आर जस्ट नॉट एबल टू फिक्स एवरीथिंग इन वन थैली, सो वी आर जस्ट गोइंग टू हैव दैट बॉक्स इन आवर हैंड, जब तक जाते नहीं तब. ठीक है, सो हमने प्ले स्टेशन का VR 2 भी लिया है, तो दैट इज़ लाइक 57,000 यहाँ पे, और इन नॉट 56,000 आई गेस, और इंडिया में इट इज़ 61,000. तो अच्छा हो रहा था, डील अच्छा मिल रहा था, तो वो भी ले लिया है. वी आर स्पेंडिंग मैसिव अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज रियली क्रेजी. इतना हमने, वी हैव नेवर स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एनी वेयर, बट दिस इज़ दुबई मॉल एंड वी जस्ट कैनॉट रेजिस्ट. ये
इसने तो पहले तो गेमिंग का लिया है. वी आर हम दोनों को भी अच्छा लगता है, सो दैट्स वाई वी टुक वी आर ऑल्सो. एंड देन खिलौने हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही महंगे थे, सो दैट्स दैट. एंड वी टुक नाइकी शूज एज वेल, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट नाउ एंड आई थिंक मोर टू गो. ये देखो गाइज, यहाँ पे आइस स्केटिंग करते लोग, ये सब मॉल में ही है, सो इट्स प्रिटी ह्यूज स्पेस जहाँ पे ये सब लोग कर रहे हैं, एज यू कैन सी. और ये रहा गाइज दुबई का फेमस ह्यूमन वाटरफॉल, जो कि यही मॉल में है, दुबई मॉल में, द ह्यूज मॉल इन दुबई. और हाँ, हमने बाय द वे ये दो बैग्स खरीदी अभी सब सामान रखने के लिए. एंड दिस ओपन्स फ्रॉम हियर, तो इसमें बॉक्सेस भी रख सकते हैं, एंड दैट्स गुड. अभी हमने जो शॉप पे हमारे बॉक्सेस छोड़ के आए वो शॉप ढूंढ रहे हैं, कब से आधा घंटा हो गया हम शॉप ढूंढ रहे गाइस लिटरली. ये मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप एक शॉप से निकलते हो ना तो उसी शॉप पे वापस आना इज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, अनलेस एंड अनटिल यू नो द पाथ और या फिर यू आस्क समवन. और यहाँ पे ना पूरा ऐसा मैप रीड करने के लिए देर इज नो स्क्रीन, जैसे अपने इंडिया में रहता है. I don't know why they haven't they provided any screen. लोग I think online ही देखते हैं इसका मैप, but they should have screens यार. कितनी बार फ़ोन ओपन करेंगे. Guys, तो फाइनली चल चल के हमारे पैर दुख गए. बैग्स में बाय द वे सारा सामान डाल दिया है, दोनों बैग्स फुल हो गई है और सिर्फ यहाँ की शॉपिंग गई है. हमने जो की है मैनचेस्टर में, लंदन में, वो तो दूसरे बैग्स में है, वो भी खचाखच भरी पड़ी है. दीज आर ऑल्सो फुल नाउ. एंड एनी वे हम अभी खाने के लिए आए हैं इट्स द रेस्टोरेंट कॉल्ड अलबेक. अलबेक बहुत पॉपुलर है इधर. अलबेक इट इज़ वेरी पॉपुलर हियर, इतना पॉपुलर है कि उसके लिए अपने इंडिया में मंदिर में जाने के लिए कैसे लाइन लगती है. दैट काइंड ऑफ लाइन इज हियर फॉर दैट स्पेसिफिक रेस्टोरेंट ओनली. जुगाड़ के बेसिकली की लाइन में अराउंड 150 एक लोग थे पहले ऑर्डर करने को, बाद में पिकअप को भी अराउंड 100 लोग थे बेसिकली, नॉट जोकिंग इतने लोग थे. उधर मेरे को एक ना नेपाली बंदरी का थोड़ा स्केची था, नहीं क्या तो वो लोग उसको बात कर रहे थे, उसके पास गया कि जो भी बिल रहेगा उसका आई विल गिव द सेम अमाउंट. तो अगर 27 dirham का बिल है हमारा तो उसको मैं 27 dirham दिया. ओनली थिंग टोल्ड मी कि किसी पुराना बिल लेकर आओ करके, क्या जिधर लोग बैठे उधर से, तो उधर से एक जस्ट पर्सन रिक्वेस्ट किया, वो भी यही टेबल पर बैठा था बंदा, उसे रिसेंट रिक्वेस्ट किया. फिर उसके पास गया, उसने मेरे को लिटरली 150 लोगों के लाइन में फर्स्ट डाल दिया बेसिकली. उधर मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया और फिर लिटरली 5 मिनट में फूड भी उसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू मैसेज इधर पिकअप का उधर करवा दिया करके. Compared to that, people are still waiting and all of them are looking at me कि बंदा क्या कर रहा है. Yeah, and that is with the cost. जितने का हमारा food आया उतने पैसे वो बंदे को खिलाए, तब जाके हमारा number लगा है. But that's okay यार, इतना बड़ा line और हम सुबह से कुछ नहीं खाया, literally कुछ नहीं खाया, हम coffee पे बस. So what have you ordered? This is the double baked chicken burger. इधर का बहुत special है. They use 2 patties essentially. बहुत tasty. Okay. And then fries and bhakti. All right. Let's where? Can't see.